में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। जय हिंद। अध्यापक को झूठे मुकदमे में फंसाकर रुपए अटने वाली गिरोह की दो महिलाओं को पुलिस ने दबोचा। मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर, दिन 25 अगस्त 2020। पहले आरोप, फिर मुकदमा और फिर अपने बयानों को झुठलाने वाली झोल मोल अजब गजब खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। मामला कुछ इस तरह का है, दुष्कर्म का आरोप, फिर पुलिस थाना और फिर खुद अपने ही बयानों से मुकर कर पुलिस पर रौब गालिब। परतापुर थाना क्षेत्र के दिल्ली रोड कसाना गेस्ट हाउस में 12 अगस्त को मोदीनगर में रहने वाले अध्यापक ध्यान सिंह पर आरोप लगाते हुए मोदीनगर के रहने वाली युवती तनु शर्मा ने परतापुर थाने में दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं युवती के साथ आई एक महिला संगीता चौधरी निवासी पिलखुआ ने अपने आप को महिला आयोग की अधिकारी बता दिया और आरोपी ध्यान सिंह से मोटी रकम लेकर फैसले करने का दबाव भी बनाया गया था, जिसका जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने युवती की तहरीर पर आरोपी ध्यान सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेज दिया था, जिसके बाद महिला और पीड़ित युवती ने आरोपी ध्यान सिंह से आपस में साठ गांठ करके कुछ दिन बाद कोर्ट में अपने बयान बदल दिए, यानी जो अपने आरोप लगाए थे उनको वापस ले लिया। आरोपी अध्यापक ध्यान सिंह को निर्दोष बता दिया, जिसके बाद सोमवार दोपहर दोनों महिलाएं परतापुर थाने पहुंची और जांच कर रहे दरोगा पर दबाव बनाते हुए बाकायदा एफआईआर लगाने को कहा। तो जांचकर्ता दरोगा धर्मवीर सिंह ने जांच के आधार पर ही चार्जशीट लगाने की बात कही, जिसके बाद दोनों महिलाएं आग बबूला हो गई और दरोगा के साथ बदसलूकी करते हुए देख लेने की धमकी भी दे डाली, जिसके बाद पुलिस ने युवती द्वारा अध्यापक पर कराए गए झूठे मुकदमे और कोर्ट के बयान के आधार पर तनु शर्मा और उसके साथी महिला संगीता चौधरी पर 211, 420, 120B और 193 की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर परतापुर आनंद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि इन महिलाओं द्वारा अध्यापक ध्यान सिंह पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने और उस पर रुपयों का दबाव बनाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साथ ही दोनों महिलाओं को जेल भेजा जाए। यहां आपको बता दें, दिल्ली रोड सहित मेरठ के कई छोटे होटलों में चल रहे हैं इस तरह के गैंग। मेरठ के दिल्ली रोड और शहर के कई अन्य क्षेत्रों में बने गेस्ट हाउस और छोटे होटलों में कई ऐसे गैंग सक्रिय हैं जो उम्रदराज लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे ऐप पर फंसाकर उन्हें होटल और गेस्ट हाउस में बुला लेते हैं और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करते हुए उनसे मोटी रकम ऐंठ लेते हैं या उन पर मुकदमा दर्ज कराकर कोर्ट में फैसले के नाम पर मोटी रकम ऐंठते हैं। आइए देखिए इस पूरी घटनाक्रम पर क्या कह रहे हैं एसआई धर्मवीर सिंह। मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव अनुष नवीन खान की रिपोर्ट। सर, ये जो थाना प्रतापपुर से दो महिलाएं जेल भेजी गई हैं, क्या है पूरा मामला? ऐसा है, दिनांक 12/8/20 में एक लड़की ने अपने ऊपर रेप का मुकदमा कराया था, मगर हमने अभियुक्त को पकड़ कर भेज दिया जेल। ठीक है, अब महिला की हुई 64 के बयान, तो अपने ऊपर जो उसने रेप के आरोप लगाए थे अभियुक्त पर, वो पलट गई अपने आरोपों से। पुलिस इस प्रकरण में इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। किन किन धाराओं पर कार्रवाई की गई है? 211, 195, 120, 400। दो हैं, एक तरह का गैंग है, पैसे काम करते हैं। खबर राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र।